वेलकम टू देवी का पटाका। वेल दोस्तों, क्या एकता कपूर को दे दी है? एकता की सबसे लाडली, सबसे फेवरेट एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य ने सबसे बड़ी धमकी। क्या आने वाला है सीरियल कुंडली भाग्य खतरे में? वेल दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल, आपको बता दें कि सीरियल कुंडली भाग्य में श्रद्धा आर्या का किरदार बहुत ही ज़्यादा अहम है और अकेली श्रद्धा आर्या ने इस शो को सुपरहिट बनाया है। हालांकि धीरज धूपर के साथ उनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन श्रद्धा का करेक्टर ऑडियंस के बीच में सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा। ऐसे में श्रद्धा आर्या ने शो को छोड़ने का प्लान कई बार बनाया, लेकिन एकता कपूर ने हर बार ही उनकी फीस को इंक्रीज करके, उनको फ्लेक्सिबल आवर्स देके, उनकी हर डिमांड को पूरा करके शो में उनकी जगह को बरकरार रखा। क्योंकि एकता भी जानती हैं कि इस शो की असली आन बान और शान श्रद्धा आर्या ही हैं, यानी कि कुंडली भाग्य की प्रीता। अगर मेन फेस बदल दिया गया तो शो पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। शो में लगातार 10 बार शादी हो चुकी है प्रीता की, यानी कि श्रद्धा आर्या की। यह बात पता चलती है हाल ही में पोस्ट की गई श्रद्धा आर्या द्वारा कुछ पिक्चर्स से। जी हाँ, श्रद्धा आर्या ने हाल ही में शक्ति अरोड़ा के साथ अपने कुछ पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जहाँ पे वो लिखती हैं कि 10वीं बार मेरी शादी हो रही है सेट पर, और अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ हो रही है, किसके साथ हो रही है और कैसे हो रही है। यही वजह है कि श्रद्धा आर्या ने एकता कपूर से बात की है कि लगातार शो में आप मेरी 10 बार शादी दिखा चुकी हैं, और वो इतने सारे करेक्टर्स और इतने बार बार चेंज हो रहे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी फीस को इंक्रीज करने की बात तो की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से 20 साल का बड़ा लीप दिखाया जाने वाला है, तो वो इतना बड़ा एज्ड करेक्टर नहीं करना चाहती। वेल, एकता कपूर ने श्रद्धा आर्या की इस बात को हालांकि डिनाई किया था, लेकिन खबर सामने है कि श्रद्धा आर्या के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, कुंडली भाग्य का जो रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो भी खत्म होने वाला है। जिसके बाद एकता से साफ साफ श्रद्धा ने ये कह दिया है कि वो शो में कंटिन्यू नहीं करेंगी और वो किसी भी तरीके से लीगली बाउंड नहीं है। जिसके बाद एकता कपूर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में घिरी हुई है। वेल, क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।